एनआईए, एटीएस और मोतिहारी पुलिस ने बुधवार को मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पीएफआई के मास्टर ट्रेनर याकूब को गिरफ्तार किया है। एनआईए और एटीएस ने उसे चकिया के बांस घाट इलाके से गिरफ्तार किया है। वो चकिया के गांधी मैदान में आतंकी ट्रेनिंग देता था। वो पटना के गांधी मैदान में आतंकी ट्रेनिंग देता था। ये पीएफआई का मास्टर ट्रेनर था। इसे एनआईए और पटना एटीएस ने एक जॉइंट ऑपरेशन कर दबोचा है। इसी का मोतिहारी के चकिया गांधी मैदान में ट्रेनिंग देते हुए वीडियो वायरल हुआ था। बता दें कि मोहम्मद याकूब को पीएफआई का मास्टर ट्रेनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि याकूब के जिम्मे ही भटके लोगों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा था। इसकी काफी दिनों से तलाश थी। याकूब की गिरफ्तारी में एनआईए की टीम के साथ पटना एटीएस ने सभी अहम भूमिका निभाई। अब पीएफआई सरगना ये राज मारूफ की तलाश की जा रही है। ये राज मारूफ की तलाश में एटीएस और एनआईए की टीमों ने कई जगहों पर रेड डाली है। फिलहाल रियाज मारूफ की तलाश जारी है। एनआईए और एटीएस की टीम ने मदद के लिए चकिया थाने की पुलिस टीम को भी साथ में रखा है। याकूब की गिरफ्तारी की पुष्टि पटना एटीएस ने कर दी है। पटना के फुलवारी टेरर मॉड्यूल सामने आने के बाद चकिया के रहने वाले याकूब का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वो पीएफआई का झंडा लगाकर कुछ युवकों को ट्रेनिंग देता दिखाई दे रहा था। याकूब की तलाश एनआईए, एटीएस सहित कई जांच एजेंसियां कर रही थी, लेकिन हर बार वो चकमा देने में कामयाब हो जाता था। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया।